हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल नियो मार्केट्स। आज की जो स्ट्रैटेजी है फ्रेंड्स, जिस बारे में हम बात करेंगे, वो एक इवेंट बेस्ड स्ट्रैटेजी है। तो जो इवेंट्स होते हैं, फॉर एग्जांपल अभी रिसेंटली हमारे पास लोकसभा के इलेक्शंस हैं, हमारे पास बजट था जो 1 फेब था, US फेड पॉलिसी एक इवेंट है, RBI पॉलिसी जो निकलती है, ये सब एक इवेंट्स होते हैं। तो जब इवेंट होता है तो विक्स बढ़ता है। बेसिकली जो विक्स है वो एक फियर या अनसर्टेनिटी को डिटरमाइन करता है। तो मार्केट में जब भी एक इवेंट को लेके थोड़ी अनसर्टेनिटी होती है, तब विक्स बढ़ता है जब तक उसका इवेंट का आउटकम नहीं आता। तो इवेंट से कुछ दिन पहले विक्स बढ़ना शुरू होता है, और जैसे ही इवेंट वो खत्म होता है, विक्स क्रैश होता है। हिस्टोरिकली अगर आप चार्ट में जाकर देखें, यही विक्स का बिहेवियर रहता है इवेंट से पहले। तो अब इस मार्केट के बिहेवियर को हम कैसे यूज कर सकते हैं, कैसे इसका बेनिफिट ले सकते हैं, कैसे विक्स को देखते हुए इवेंट से पहले हम प्रॉफिट को बना सकते हैं, कैसे स्ट्रैटेजी हम डालें सो डेट हमें इवेंट से पहले हम अपनी प्रॉफिट को बुक कर सकें। तो जो आज की स्ट्रैटेजी है फ्रेंड्स, वो एक इवेंट स्पेशल स्ट्रैटेजी है। ये हमारे सामने विक्स का चार्ट है 1 डे के टाइम फ्रेम पे। तो विक्स की अगर बात करें तो हम लोग क्या करना चाह रहे हैं, हम लोग पोजीशंस बनाना चाहते हैं कब, हमारा क्राइटेरिया क्या है, जब इंक्रीज होने वाला हो विक्स। हमें कैसे पता चलेगा विक्स इंक्रीज हो रहा है, हमें क्या करना है, हमें समझना है चार्ट पे विक्स कब सपोर्ट ले रहा है, कब रेजिस्टेंस ले रहा है और कब ब्रेकआउट दे रहा है। तो हम दो सिनेरियो में ये इवेंट स्पेशल कैट जो हमारी स्ट्रैटेजी है वो डिप्लॉय कर सकते हैं। पहला, जब विक्स सपोर्ट ले रहा हो। दूसरा कब, जब अगर आप देखें कि ब्रेकआउट दे रहा हो विक्स। ये दो सिनेरियो में हम पोजीशंस बनाएंगे ये इवेंट स्पेशल स्ट्रैटेजी में। बहुत लोग फ्रेंड्स ये विक्स का चार्ट डेली बेसिस पर ट्रैक नहीं करते, लेकिन अगर आप ऑप्शंस को ट्रेड करते हैं तो आपको विक्स का मूवमेंट जानना बहुत ज़रूरी है। और सिर्फ मूवमेंट ही नहीं, आपको सबसे इम्पोर्टेंट ये समझना है कि विक्स का सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या है। रिलेटिव नंबर समझना कि विक्स 10 है तो लो है, 20 है तो हाई है, 40 है तो बहुत हाई है, ये एक बात हो गई। लेकिन हाई विक्स में भी, अगर आप समझे कोरोना टाइम में भी, वहां पर भी अगर आपको देखें, आपको एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस हायर वैल्यूज में भी मिलेगा, और आपको वही आप यूज कर सकते हैं ट्रेड करने के लिए। आज का जो कॉन्सेप्ट हम यूज करने वाले हैं वो हम यूज करेंगे वेगा इफेक्ट ऑन फार ऑप्शंस। तो विक्स जब इंक्रीज होता है तो जो फार मंथ्स होते हैं उनका प्रीमियम इंक्रीज होता है, बिकॉज दे आर मोर वेगा सेंसिटिव। और जो नियर ऑप्शंस हैं, ऑफ कोर्स उनका प्रीमियम भी इंक्रीज होता है, लेकिन जो नियर ऑप्शंस होते हैं उसमें थीटा डीके हमारा फ्रेंड बन जाता है। और तो हम इसके कॉम्बिनेशन को यूज करते हुए आज की स्ट्रैटेजी आपके साथ शेयर करने वाले हैं। तो लगभग 25 अप्रैल को यहाँ पर विक्स ने बहुत अच्छे सपोर्ट लिया था, एक मॉर्निंग स्टार पैटर्न बनाते हुए इसने यहाँ पर एक सपोर्ट लेते हुए यहाँ पर एक लग रहा है कि यहाँ से विक्स इंक्रीज होगा। तो यहाँ पर एक पोजीशन स्टॉक मार्क में क्रिएट करके आपको दिखाते हैं। तो विक्स के चार्ट में हमने देखा कि 25 अप्रैल को हम अच्छा एक सपोर्ट देख पा रहे थे, और 26 अप्रैल को हम ये पोजीशन 10:30 बजे क्रिएट करने वाले हैं। सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें फार ऑप्शंस जो हैं उसमें 22,600 अगर ATM चल रहा है राउंड फिगर, इससे 200 पॉइंट दूर हम बाइंग करेंगे। तो यहाँ से 200 पॉइंट दूर हुआ 22,800 का कॉल ऑप्शन, और पुट साइड हुआ 22,400 का पुट ऑप्शन। ये हमने जून मंथ की यहाँ पर 200 पॉइंट के डिस्टेंस पे बाइंग कर ली है। करंट मंथ में हम क्या करेंगे, करंट मंथ में हम 500 पॉइंट दूर सेल करेंगे। तो 500 पॉइंट दूर यहाँ पर हो गया लगभग 23,100 का कॉल ऑप्शन, और पुट साइड में हमको लेना है 500 पॉइंट दूर, वो यहाँ पर हो गया 22,100। अब हम क्या करेंगे, हम हमेशा हेज लेके चलेंगे, हमेशा सेफ्टी हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। तो हम क्या करेंगे, हम 10 रुपये का यहाँ पर बाइंग कर लेंगे पुट की, और 10 रुपये का ही सिमिलरली कॉल ऑप्शन को यहाँ पर बाय कर लेते हैं। यहाँ पे 10 रुपये का हमें ये मिल रहा है 24,350। तो ये हमारी पोजीशन बन गई। तो चलिए इसको 5 लाख के कैपिटल पे, क्योंकि एक लॉट पे हमें 46,000 लग रहा है, तो हम लोग इसको 5 लाख के कैपिटल पे देखते हैं कि हम कितने लॉट ले सकते हैं। तो 5 लाख पे लगभग आप चलिए
यहाँ पे 10 लॉट के साथ ही हम अपनी पोजीशन को क्रिएट करते हैं। तो फ्रेंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि जब ये पोजीशन क्रिएट हुई है स्टॉप मॉक में, बिगनिंग में आप इसको ना देखें, बिकॉज स्टॉप मॉक जो है उसकी ये लिमिटेशन है, ये कैलेंडर जो कैलकुलेशन करता है वो करेक्ट नहीं आ रही है, क्योंकि ये विक्स का इंक्रीज जो है वो इसको अकाउंट नहीं कर पाता है एट द टाइम ऑफ क्रिएटिंग द पोजिशन। तो आप इसको इग्नोर कर सकते हैं, लेकिन ये पोजिशन करेक्ट कंप्लीटली सेफ है। क्यों सेफ है ये आप समझिए, क्योंकि आप सिर्फ 200 पॉइंट दूर आप इनसाइड बाइंग कर रहे हैं, और दूर जाके 500 पॉइंट दूर आप जाके सेल कर रहे हैं। पहले आप बाय कर रहे हैं फिर आप सेल कर रहे हैं, राइट? पास में बाय किया, दूर का सेल किया, तो डेफिनेटली आपकी पोजीशन सेफ है। ऊपर से हमने एक्स्ट्रा सेफ्टी क्या डाल दी, हमने हेज ले लिया, हमने 10 रुपए के हेज ले लिए, जिसको जिसकी वजह से ये पोजीशन एक्स्ट्रा सेफ हो गई है। तो हम चलते हैं चार्ट में आगे, देखते हैं कि ये पोजीशन कैसे परफॉर्म कर रही है। यहाँ पर हम आए हैं 2 मई को, 2 मई को ही हमें 6% इस पोजीशन में प्रॉफिट हो चुका है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट डे 8% प्रॉफिट है। तो लगभग मेरे हिसाब से अगर आप इसमें 10 से 15% प्रॉफिट देख रहे हैं तो अब आप उसको डेफिनेटली बुक कर सकते हैं। यहाँ पर हम पहुंचे हैं 6 मई को, तो 9% हमें दिख रहा है। यहाँ पर 7 मई को पहुंचे हैं हम लोग 6%। इसके बाद यहाँ पर आप आइए हैं 10 पे, 10 मई को 5% यहाँ पर प्रॉफिट चल रहा है। आगे जाते हैं तो यहाँ पर आप देखिए 14 मई को, 14 मई को हमें 10% प्रॉफिट आ चुका है। 54,000 हमारा प्रॉफिट है 5 लाख के कैपिटल में, जो आप बुक कर सकते हैं यहाँ पर, या फिर अगर आपको ट्रेल करना है तो आप ट्रेल कर सकते हैं। और अगर अगर आपने टारगेट सेट किया है कुछ 15% का, तो आप उसको भी बुक कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखें, आज अगर ये पोजीशन है 12% प्रॉफिट दे रही है, तो ये आज के दिन में भी फ्रेंड्स ये 12% का प्रॉफिट दे रही है स्ट्रैटेजी, काफी अच्छा प्रॉफिट है। तो ये डेफिनेटली बुक कर लेना चाहिए, बिकॉज इवेंट से पहले कब विक्स क्रैश होना स्टार्ट हो जाए ये भी कोई गारंटी नहीं होती। तो 10 से 15% के बीच में अगर आपको प्रॉफिट दिख रहा है, आप डेफिनेटली उसको बुक करें और फिर नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी की वेट करें। तो आई होप आपको हमारी ये इवेंट स्पेशल स्ट्रैटेजी पसंद आई होगी। अगर आपको ये स्ट्रैटेजी पसंद आई है तो जरूर लाइक करिए, सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स फॉर मोर प्रॉफिटेबल स्ट्रैटेजीज एंड अपडेट्स इन द कमिंग डेज। थैंक यू।